हम 16 तारीख को जा रहे थे कुसाई सर, 17 का भंडारा था बाबा का, हनुमान जी का रोड था, उसमें जा रहे थे। टोल पे थोड़ा तू तू में होगी, वहां से हमने गाड़ी वापस मोड़ ली, वहां से हमें पुलिस मिल गई। पुलिस ने देख लिया एकदम, हमें रोक लिया, बोले चेक करेंगे, तलाशी ली, तलाशी में हमारे पास कुछ नहीं मिला तो बोले चलो थाने चलेंगे, गाड़ियों को एक बार चेक करेंगे, तुम्हारी आईडी चेक करेंगे। बीच में चेक करी, बीच में बुला लिया सीआई साहब को, सीआई साहब ने ये कही भाई इनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ चेक कर लिया, ये ओके लड़के, इनको छोड़ दिया जाए। फिर भी वो बोले नहीं, थाने में ले चले और बात करके फिर छोड़ेंगे। किसने कहा ये सर? ये अनिल जी ने, अनिल DYSP बताया, उसने बोला। तो फिर मेरे को यहाँ पे लिया है, मेरी पूरी टीम को, 5 गाड़ियों को और 25 आदमियों को यहाँ ले आके नीचे बैठा दिए। नीचे बैठाने के बाद डराए धमकाए, हमारे को बार बार फोर्स किया। फिर उन्होंने मतलब वो सर मतलब किस मामले को लेकर क्या कहा कि तुम बदमाश हो या बदमाशी करते हो या बदमाशी करने आए हो, कल परसों गोली चली है उसमें तुम्हारे को नाम दे देंगे, तुम्हारे को बंद कर देंगे, जेल में देंगे, 2 साल से पहले छूटने नहीं देंगे तुम्हारे को, और तुम गुंडे हो, बदमाश हो, इस तरह की बात करके। आपके पास कुछ मिला था क्या? आपके पास कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ भी नहीं मिला। वो सारी गाड़ियां चेक कर ली थी, सीआई साहब ने कह भी दी थी भाई इनको छोड़ दिया जाए, इनके पास कुछ भी नहीं है। किस समय की बात है ये? 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक की बात है। आगे हमारे को यहाँ लिया है, फोर्स किया बार बार हमारे को, भाई बंद कर दो इनको। लास्ट में पैसे का फिर लेन देन हुआ, वो ओझा आया, मदन लाल ओझा, वो यहाँ पे आ गया, बात सुन के उनकी पता नहीं कैसे आया वो। पहले तो सैनी बता रहे थे वो अपने आप को, फिर उसके अकाउंट पैसे गए तो मदन लाल ओझा आया उसके अकाउंट का। उन्होंने ये कहा कि मैं छुटवा दूंगा, मेरे लगाया हुआ है ये सीआई साहब, हाँ DSP साहब जो है अनिल जी, मेरे लगाए हुए हैं, मैं आपको छुटवा दूंगा। तो मैं बोला छुटवा दो जी हमें, तो ये बोला गुसाई सर में मेरे मामा है, रिश्तेदार है, आप टेंशन मत लो, थोड़ा मैं छुटवा देता हूँ, बात करता हूँ मैं। तो मगर ठीक है जी। तो उसने साहब ने बात करी अनिल जी ने, तो बात करके फिर मेरे को बुलाया गया, मेरे से डिमांड करी फिर पैसे की, कि 7.5 लाख रुपए लगेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। जो पैसे की डिमांड की गई थी उस वक्त आप कौन कौन थे? हम 25 आदमी थे पूरे, नहीं हम उस टाइम 3 आदमी थे। कौन कौन? मैं और ओझा जी और अनिल जी। अच्छा, कितने पैसे मांगे आपसे, क्या कहा? मेरे 7.5 लाख रुपए मांगे, नहीं तो सबको बंद कर दूंगा, तेरे भाई भी है, तेरे भतीजे भी है, तेरे गांव के भी है, तेरे दोस्त भी है, और 2 साल से पहले छूटने नहीं दूंगा तुम्हें। फिर उन्होंने हमने देख के सारा माहौल वो करके उन्होंने मतलब फाइनल ये कराया कि लास्ट 6 लाख रुपए देने हैं तो इस ओझा को दे देना, ओझा तेरे को अकाउंट नंबर देगा या फोन पे देगा, उसमें डलवा देना, और नहीं तो उसके 1 घंटे बाद छोड़ दूंगा, और नहीं डलवाते हैं तो इनको ये कह के चल गए सभी पुलिस को कि इनको कपड़ा निकालो और इनके मुकदमा दो और अंदर दे दो। क्या हुआ? हमें पैसे दे दिए, 1 लाख रुपए नगद ले लिए, दोनों बैठे थे वो, अनिल जी भी बैठे थे और ओझा जी भी, अनिल जी को। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया आपने? ऑनलाइन 5 लाख रुपए। अच्छा। मैंने 2 लाख रुपए मेरे खाते से गए और 3 लाख मैंने और डलवाई इधर उधर से। अच्छा, अभी सर मार्केट वगैरह घटी है यहाँ पे? धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की। और किस तरह व्यवहार रहा यहाँ पर? व्यवहार तो ऐसा बहुत बुरा रहा जी हमारे साथ, व्यवहार तो पूछो ही मत जी, बहुत गंदा व्यवहार करे हमारे साथ। ऐसा उस मामले की शिकायत हमने ऑनलाइन की है, सभी से बात करके ऑनलाइन शिकायत मेल कर दी हमने हर जगह से कि हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। अगले दिन हम कोर्ट में गए, अपने वकील पकड़े, वकील के पास गए हम, जो पर्सनल वकील है हमारा, उनके पास जाकर हमने कहा हमारे साथ ऐसे ऐसे बात होगी, मार पिटाई करी, धमकाए, डराए, धमकाए, हमारे पैसे ले लिए। तो फिर उसने हर जगह एप्लीकेशन लगा दी, FIR, इनको बिल्कुल निलंबित, न्याय चाहिए जी, बिल्कुल। नौकरी पे थी, चढ़नी नहीं चाहिए, नहीं थी, दुनिया को जीने नहीं देंगे बिल्कुल भी। आपको डर था, परेशान किया, डर लगा आपने आए थे, बंधक पर क्या रहा? डर ये लग गया कि मेरा परिवार भी था, मेरा भाई भी था, मेरा भतीजा भी था, मेरे दोस्त भी थे, सभी को बंद कर देंगे तो उसमें हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी, भाई राजस्थान गए थे किसी रोड में और वहां जाके बंद हो गए। और हम सिकल से जानते हैं, वैसे नहीं जानते, नाम नहीं था एक, और रामनिया से ऐसा ही हमारे को लेकर आया था वहाँ से। ऐसे लेने देने का काम किस किस ने किया था? दोनों ने ही, अनिल जी ने और भाई मदन लाल जी ने। आपका नाम? मेरा नाम अमन जाट उर्फ बोले। दास शहर का मामला है, कुछ लोग थे हरियाणा के, लगभग 24 लोग थे जो बीकानेर जा रहे थे, जिन्होंने जो टोल था यहाँ पे हमारा रतनगढ़ के वहाँ, उसको बिना टोल दिए वहाँ से क्रॉस कर गए थे, जिसकी नाकाबंदी सरदार शहर एरिया में करी गई थी। तो उसमें इन 24 लोगों को 500 रुपये के साथ पकड़ लिया था, फिर इन लोगों को थाने पे लेके आए थे। CO सरदार शहर ने इनसे फिर पूछताछ करी, और पूछताछ करके इनकी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं लगी तो इनको एक रपट डाल के छोड़ दिया। लेकिन फिर इन्होंने शिकायत करी कि
हमसे पैसे लेके हमें छोड़ा गया और कोई मदन ओझा व्यक्ति है सुरेंद्र और ये सीओ, इन्होंने मिलके ऐसा कुछ करा है। तो इसकी जांच, त्वरित जांच करने के लिए प्रशांत किरण आईपीएस जो है सीओ राजगढ़, उनको वहाँ भेजा गया। तो उन्होंने पूरी जांच करने के बाद बताया कि ये कोई संदेह लग रहा है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसकी रिपोर्ट बना के हमने आगे PHQ DGP साहब को भेज दी थी। उसके बाद CO को अभी जांच चल रही है, तो इनको APO कर दिया गया है। कोई भी अगर बदमाशी करता है, कोई भी गलत काम करता है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो जिले में, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी और कोई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा ऐसे कोई, जिससे पुलिस की छवि जो है धोई हो।